मुझ से ही मंगवाए थे, ये देखिए इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया है। अब मैं जिस पानी में मैंने भिगोए थे उसी पानी के साथ मैं इनको बॉईल करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा अदरक चॉप, लहसुन चॉप, देगी मिर्च, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और थोड़ी हल्दी और ये थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। और अब मैं इसमें डालूँगा, तेल डालने के बाद इसमें डालूंगा मैं चॉप्ड प्याज। और अब इसको हम प्रेशर कुकर में, क्योंकि यहाँ पे तो मैं रात भर वेट नहीं कर पाऊँगा, इसको प्रेशर कुकर में डाल के 3 सीटी आने के बाद 45 मिनट्स इसको मैं सिम पे रखूँगा और तब तक ये हमारे राजमा गल जाएंगे और उसके बाद फिर मैं इसका तड़का लगाऊँगा। अब राजमा का तड़का रेडी कर रहा हूँ मैं, जब तक हमारे राजमा उबल रहे हैं तब तक मैं तड़का रेडी कर लेता हूँ। इसके लिए मैंने देसी घी लिया है, ये मैंने जो राजमा उबाले हैं 1 किलो राजमा है और 1 किलो राजमा के लिए मैंने इसके अंदर 250 से 300 ग्राम के करीब घी लिया है तड़के के लिए। अब ये घी हमारा गर्म हो रहा है, इसके अंदर मैं डालूँगा तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालने के बाद इसमें आएगी हींग। हींग से क्या होता है कि राजमा जो है वाई नहीं करेगा, क्योंकि राजमा जो है, राजमा उड़द हो गई वो ये सब चीज़ें जो हैं वाई करती हैं, इसमें वाई की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक ज़्यादा इशू आता है, इसलिए हींग जो है इसका ये चीज़ को कम करता है। इसके अंदर ज़ीरा, तड़के के अंदर ना मैं प्याज डालूंगा ना मैं लहसुन डालूंगा, क्योंकि मैंने वो सब उसी के अंदर राजमा के अंदर ऑलरेडी डाल दिया हुआ है। ये मेरी फ्रेश टोमेटो प्यूरी है और ये फ्रेश टोमेटो प्यूरी 350 ग्राम टमाटर की है और अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगा और हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये पूरी तरह इसका पानी सूख नहीं जाता। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर डालेंगे थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और हम इसको भूनेंगे इसी के साथ। इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी डालूंगा मैं इसमें और ये हमारा जो तड़का है वो रेडी हो चुका है और अब जब जैसे राजमा उबलेगा तो मैं ये तड़का उसमें डाल के इसमें पका लूँगा। ये देखिए हमारा जो राजमा का तड़का है वो रेडी हो चुका है, अब मैं राजमा इसमें डालूँगा। ये हमारे जो राजमा है तड़का जो है वो लग चुका है इसके अंदर और मैंने राजमा भी इसके अंदर मिला दिए हैं। अब जो है इसको हम 5 मिनट का बॉईल करेंगे और ये जो हमारे राजमा हैं जम्मू स्टाइल वो रेडी हैं। थोड़ा सा घोटना ज़रूरी होता है, उल्टी खर्ची से ही आप घोटाई करें। ये देखिए गाढ़ापन, ये राजमा जितना पकेगा उतना बढ़िया बनेगा। ये देखिए राजमा हमारे बन चुके हैं और अब मैं इस पर एक लास्ट तड़का लगाऊंगा। इस पर क्या प्लेट पे ही सर्व करते हुए इस पर तड़का मारूंगा, वो भी देसी घी का। ये हमारा जम्मू स्टाइल राजमा रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।